नमस्कार, वेलकम टू एक्सर्विसमैन इंडिया यूट्यूब चैनल। सेंट्रल गवर्नमेंट का कोई भी सर्विसेज हो, चाहे वो आर्म फोर्सेस हो यानी कि आर्मी नेवी एयरफोर्स हो, या फिर पैरामिलिट्री फोर्स हो, या फिर कोई सिविल डिपार्टमेंट हो, किसी भी डिपार्टमेंट से जब आप रिटायर करते हैं तो आपका पेंशन ज़्यादातर बैंक से मिलता है। बैंक से जब आपको पेंशन मिलता है तो आपका कौन से अकाउंट में पेंशन आना चाहिए, आपका सिंगल अकाउंट या फिर आपका ज्वाइंट अकाउंट? आप तो पेंशन ड्रॉ कर ही रहे हैं, बट क्या आपको ये पता है कि आपका पेंशन कौन सी अकाउंट में आना चाहिए, सिंगल अकाउंट या ज्वाइंट अकाउंट? क्या सही है, क्या लेटेस्ट रूल पोजीशन है, क्या राइट है, क्या रॉन्ग है, गवर्नमेंट ऑर्डर्स क्या है इस पर? ज्वाइंट अकाउंट में लेना है तो क्यों लेना है, सिंगल अकाउंट में अगर आपका है वो कहाँ तक वैलिड है? ये सारी चीज़, सारी बातें हम देखेंगे। कौन से अकाउंट में पेंशन ड्रॉ करना है, इस पर जो इंस्ट्रक्शंस एंड ऑर्डर्स है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, PCDA पेंशन इलाहाबाद का, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस का, वो सारे ऑर्डर्स देखेंगे और विस्तार से बात करेंगे। अगर आप गवर्नमेंट इंस्ट्रक्शन का मुताबिक पेंशन नहीं ड्रॉ कर रहे हैं तो आपको क्या नुकसान होगा, ये सारी बातें आज हम इस वीडियो में बताएंगे। और मेन वीडियो में जाने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और लाइक करें, शेयर करें, ताकि इन्फॉर्मेशन ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच पाए। सो फ्रेंड्स, सबसे पहले देख लेते हैं, तीनों आर्म फोर्सेस से रिटायर किए हैं, इंडियन आर्मी, नेवी एंड एयर फोर्स, तीनों पेंशनर्स के लिए जो पेंशन रिलेटेड ऑर्डर्स आपको मिलता है वो है PCDA इलाहाबाद से। और दूसरा जो सिविल पेंशनर्स है, इनका जो पेंशन रिलेटेड ऑर्डर्स निकलता है या तो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस CPAO या PNPW पेंशन एंड पेंशनर्स वेलफेयर डिपार्टमेंट है से आपको निकालता है ऑर्डर्स, या फिर आपका जो कंसर्न डिपार्टमेंट जहां से आप रिटायर किया उस डिपार्टमेंट का जो कंसर्न ऑर्डर होता है वो आपके लिए एप्लीकेबल होता है। तो सबसे पहले देखते हैं कि पेंशन रेगुलेशंस क्या बोल रहे हैं। देखिए, पेंशन रेगुलेशंस फॉर द आर्मी, सिमिलरली पेंशन रेगुलेशंस फॉर नेवी एंड एयरफोर्स भी इशू हुआ है। और पेंशन रेगुलेशन में जो कहा गया वो आप जैसे कि आप देख सकते हैं, इसमें पेंशन रेगुलेशंस फॉर द आर्मी पार्ट 2008, इसमें जो क्लॉज है इसमें क्लियर बोला गया, पर्टिकुलर्स ऑफ द पेंशन डिसबर्सिंग अथॉरिटी फ्रॉम व्हेयर ही वुड लाइक टू ड्रॉ हिज पेंशन, इन केस ही डिजायर टू ड्रॉ हिज पेंशन थ्रू एन ऑथराइज्ड बैंक टू डिसबर्स पेंशन, ही शैल इंडिकेट द नेम एड्रेस ऑफ द बैंक एज वेल एज हिज सेविंग्स बैंक पब्लिक करेंट बैंक अकाउंट। जो अकाउंट होना चाहिए वो क्या है, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है ज्वाइंट अकाउंट विद स्पाउस और विद सिंगल, ठीक है। तो आपका जो पेंशन इनका हिसाब से आपको, आप जिस अकाउंट में पेंशन लेना चाहते हैं वो अकाउंट आपका ज्वाइंट अकाउंट होना चाहिए एज पर पेंशन रेगुलेशन 2008। और इसके बाद ये जो इंस्ट्रक्शन है सर्कुलर नंबर 354 CDA पेंशन इलाहाबाद का इंस्ट्रक्शन है, सर्कुलर नंबर 354 डेटेड 3rd July 2006, ये सभी रिकॉर्ड ऑफिस को भेजा गया था। और उसमें देखिए क्या इसका कंटेंट है, पेमेंट ऑफ पेंशन थ्रू ऑथराइज्ड बैंक, क्रेडिट ऑफ पेंशन टू जॉइंट बैंक अकाउंट ऑपरेटेड बाय ए पेंशनर विथ हिज ऑब्लिक हर स्पाउस, यानी कि सब्जेक्ट से ही पता लग रहा है कि आपका जो पेंशन है वो क्रेडिट होगा ज्वाइंट अकाउंट में, और ज्वाइंट अकाउंट आपका स्पाउस यानी कि आप अगर मेल है तो आपका वाइफ का साथ होना चाहिए, और फीमेल है तो आपका हस्बैंड का साथ जो है आपका जो पेंशन अकाउंट है वो होना चाहिए। रीड विथ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस लेटर नंबर CPAO टेक अमेंडमेंट्स पब्लिक SCH बुक पब्लिक 2005-56-5609 डेटेड 9 June 2005 रिगार्डिंग पेमेंट ऑफ पेंशन थ्रू ऑथराइज्ड बैंक क्रेडिट ऑफ पेंशन टू ज्वाइंट बैंक अकाउंट ऑपरेटेड बाय ए पेंशनर विथ हिज ऑब्लिक हर स्पाउस, द प्रोविजंस ऑफ ड्रॉइंग द पेंशन थ्रू सिंगल सेविंग्स अकाउंट ऑफ ऑथराइज्ड बैंक हैज बीन मॉडिफाइड, यानी कि आप जो पहले अपना बैंक से सिंगल अकाउंट में जो पेंशन ले रहे थे वो मॉडिफाई हो गया, और अभी आपको पेंशन लेना है ज्वाइंट बैंक अकाउंट से। कब से ये जैसे इंस्ट्रक्शन इशू किया गया 2006, तो 2006 के बाद ये आपके लिए ऑर्डर हो गया कि आपका जो पेंशन अकाउंट है वो ज्वाइंट अकाउंट होना चाहिए।
Now, a pensioner can draw his oblique her pension through joint account operated by a pensioner with his oblique her spouse. तो अब से क्या हुआ, 2006 के बाद से आप अपना पेंशन आपका ज्वाइंट अकाउंट से ले सकते हैं. दिस प्रोविजन इज ऑल्सो एप्लीकेबल टू द डिफेंट पेंशनर एज इन द केस ऑफ सिविल पेंशनर. ये जो प्रोविजन है, ये प्रोविजन डिफेंस एंड सिविल दोनों पेंशनर के लिए ही एप्लीकेबल है. यानी कि आप अगर डिफेंस पेंशनर है, आर्मी नेवी या एयरफोर्स से रिटायर किए हैं, तो आपके लिए भी एप्लीकेबल है. या फिर आप किसी भी सिविल डिपार्टमेंट से रिटायर किए हैं, तो आपके लिए भी ये प्रोविजन एप्लीकेबल है. सो फ्रेंड्स, आपने देख लिया कि आपका जो पेंशन ड्रॉ आप कर रहे हैं, वो अगर आप सिंगल अकाउंट से कर रहे हैं तो वो नहीं होना चाहिए, वो ज्वाइंट अकाउंट में होना चाहिए. अब देखते हैं क्यों ऐसे बोला गया है ज्वाइंट अकाउंट में होना चाहिए. देखिए, ये तो दुनिया का एक एवर ट्रूथ है कि जब हम जग में आए तो एक दिन तो जाना ही पड़ेगा. पर हमारा जाने के बाद हमारा जो पीछे रह जाएंगे, हमारे जो फैमिली है उनको, ताकि कोई तकलीफ ना हो, पेंशन मिलने में कोई दिक्कत ना हो उनको, फैमिली पेंशन मिलने में कोई परेशानी ना हो, इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए ये प्रोविज़न रखा गया, ताकि अगर इन केस ऑफ अनटाइमली डिमाइज ऑफ ए पेंशनर, उनके बाद जो उनका फैमिली पेंशनर मिलने वाले हैं उनको कोई परेशानी ना हो. जो अकाउंट, जिस अकाउंट से आपका पेंशन मिल रहा है, उसी अकाउंट कंटिन्यू चलेगा. केवल मात्र एक डेथ सर्टिफिकेट का कॉपी देके बैंक को और अकाउंट ऑफिस को इन्फॉर्म करना है तो फैमिली पेंशन चालू हो जाएगा. फैमिली पेंशन के लिए अदर कोई भी डॉक्यूमेंट्स कुछ भी देने का जरूरत नहीं पड़ेगा, ना तो नई कोई अकाउंट खोलने का जरूरत पड़ेगा. अभी भी आपने सुने होंगे कि जब भी कोई फैमिली पेंशन लेने के लिए जाते हैं बैंक में, तो उनको ये कहा जाता है कि आप पहले एक नया अकाउंट खुलाइए, फ्रेश अकाउंट खुलाइए, उस पर पेंशन होगा. तो 2014 का जो लेटर है, जैसे कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, ये सर्कुलर नंबर 168 और PCDA पेंशन इलाहाबाद का है, 7 जनवरी 2014 का. ये लेटर सभी बैंक का CPPC को भेजा गया था और उसमें ये कहा गया था कि पेमेंट ऑफ पेंशन टू द सेंट्रल गवर्नमेंट पेंशनर्स कंटिन्यूशन ऑफ आइदर और सर्वाइवर पेंशन अकाउंट आफ्टर डेथ ऑफ ए पेंशनर. यानी कि आपका अगर ज्वाइंट अकाउंट है, पेंशन अकाउंट आपका ज्वाइंट अकाउंट है, तो उस अकाउंट को अगर आपने आइदर और सर्वाइवर ऑपरेट कर रहे हैं, तो आपका बाद जो आपका फैमिली पेंशनर होगा उनको उसी अकाउंट से ही पेंशन मिलेगा. तो किसी तरह का कोई चेंजेस का जरूरत नहीं है, किसी तरह का कोई डिफिकल्टीज नहीं होगा, पेंशन लेने में कोई दिक्कत नहीं होगा, वही अकाउंट कंटिन्यू चलेगा. देखिए इसका जो मेन पैरा है, इसमें क्या लिखा गया, इन दिस कॉन्टेक्स्ट अटेंशन इज ड्रॉन टू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर लेटर नंबर, जो लेटर का रेफरेंस पहले आपको बताया गया था 9 जून 2005 का CPAO का, और ये लेटर सर्कुलर नंबर 123 जो PCDA पेंशन का, उसमें सर्कुलेट किया करवाया गया था, बाय व्हिच गवर्नमेंट हैज द फैसिलिटी फॉर ऑपरेशन ऑफ ज्वाइंट अकाउंट विद स्पाउस इन द बैंक by the pensioner and permitted to credit pension to a joint account operated by pensioner with his oblique her spouse in whose favor an authorization for family pension exists in the pension payment order. यानी कि आपका PPO में जिनके साथ आपका पेंशन ऑथोराइज किया गया, फैमिली पेंशन जिनके नाम ऑथोराइज किया गया, उन्हीं का साथ आपको ज्वाइंट अकाउंट खुलवा रहा है, और वो अकाउंट अगर है तो उस अकाउंट में आपको पेंशन मिल रहा है. तो नेक्स्ट क्या बोला गया, देखिए, द ज्वाइंट अकाउंट ऑफ द पेंशनर विद द स्पाउस कुड बी ऑपरेटेड आइदर बाय फॉर्मर और सर्वायर और आइदर और सर्वायर बेसिस. तो जो ज्वाइंट अकाउंट होगा उसमें अब मोड ऑफ ऑपरेशन होता है, जब आप अकाउंट खुलाने जाएंगे तो उसमें ये इंश्योर करें कि वो अकाउंट आइदर और सर्वाइवर होना चाहिए. इस चीज को आप नोट करके रखिए. अगर आपके पास सिंगल अकाउंट है, इसको ज्वाइंट अकाउंट करेंगे, तो वो अकाउंट आइदर और सर्वाइवर बेसिस हो, ये आप एंश्योर कीजिए. RBI हैज ऑल्सो इश्यूड इंस्ट्रक्शन बाय रेफरेंस DGBA GAD नंबर H7386/45-01-001-2012-13 डेटेड June 3, 2013, दैट इन केस ऑफ द स्पाउस फैमिली पेंशनर ऑप्ट फॉर एग्जिस्टिंग ज्वाइंट अकाउंट फॉर क्रेडिट ऑफ फैमिली पेंशन, बैंक शुड नॉट insist on opening of a new account when the spouse is the pensioner in whose favor an authorization for payment of family pension exists in the PPO. So,
फ्रेंड्स देखिए, आरबीआई ने भी इस पर ऑथेंटिकेट किया, इंस्ट्रक्शन दिया कि जो अकाउंट आपका, जो ज्वाइंट अकाउंट आपके साथ आपका स्पाउस का है, जिन पर आप पेंशन ले रहे हैं, वही अकाउंट कंटिन्यू होगा फैमिली पेंशन के लिए। इस पर आरबीआई का जो इंस्ट्रक्शन है और आरबीआई का वेबसाइट में भी ये इंस्ट्रक्शन दिया हुआ है, जैसे कि आप इस पर देख सकते हैं आरबीआई का वेबसाइट। इसमें जो फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस है, इसमें देखिए जी, क्वेश्चन नंबर 1, वेदर ए ज्वाइंट अकाउंट कैन बी कंटिन्यूड फॉर फैमिली पेंशन आफ्टर डेथ ऑफ ए पेंशनर। इस पर आरबीआई भी यही बोल रहे हैं कि यस, द बैंक शुड नॉट इंसिस्ट ऑन ओपनिंग ऑफ ए न्यू अकाउंट इन केस ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट पेंशनर इफ द स्पाउस इन हुज फेवर एंड ऑथोराइजेशन फॉर फैमिली पेंशन एग्जिस्ट इन द पेंशन पेमेंट ऑर्डर पीपीओ इज अ सर्वाइवर। अगर आपका जो ज्वाइंट अकाउंट है उसमें आइदर और सर्वाइवर मोड से आप ऑपरेट कर रहे हैं, तो आपको उसी अकाउंट से पेंशन मिलेगा, बैंक आपको इंसिस्ट नहीं करेंगे नए अकाउंट बनवाने के लिए। सो फ्रेंड्स, ये जो इन्फॉर्मेशन था, ये एक बहुत ही वाइटल इन्फॉर्मेशन, और मैं जानता हूँ, जहाँ तक मैं खुद अपना पर्सनल एक्सपीरियंस से देखा, ज़्यादातर लोग पेंशन अभी भी सिंगल अकाउंट से ले रहे हैं। तो अगर हम अपना फैमिली के बारे में सोचते हैं, हमारे जाने का बाद हमारा फैमिली को कोई तकलीफ ना हो, उनको पेंशन मिलने में कोई दिक्कत ना हो, तो हमें तुरंत ही अपना जो पेंशन अकाउंट है उसको ज्वाइंट अकाउंट में कन्वर्ट कर लेना चाहिए और वो आइदर और सर्वाइवर मूड में बनाना चाहिए। सो फ्रेंड्स, ये जो ऑप्शंस है, ये जो प्रोविजंस है, जो गवर्नमेंट ऑथोराइजेशन है, वो सारी चीज़ें आपने देख लिया। और इस चीज़ को अगर आप और भी ज़्यादा जानना चाहते हैं, तो पीसीडीए का वेबसाइट खोल के आप देखिए, वहाँ पे जो सर्कुलर आपको बताया वो सारे सर्कुलर्स आपको मिल जाएंगे। आरबीआई का वेबसाइट खोल के आप देख लीजिए, या फिर सीपीएओ का जो वेबसाइट है, डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस का जो पेंशन अकाउंटिंग ऑफिस का जो वेबसाइट है, उस पर भी ये सारे जो ऑर्डर्स हैं वो आपको मिल जाएगा, आप इसको चेक कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, उम्मीद है ये इन्फॉर्मेशन आपको पसंद आया होगा। ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस मिलने के लिए इस चैनल को जरूर आप सब्सक्राइब कीजिए। अगर इन्फॉर्मेशन आपको अच्छा लगा तो जरूर इसको लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, ताकि ये इन्फॉर्मेशन ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँच पाए। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।